एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो ईसीएस टिटन ड्रेसडन का आज के दिन का मैच नंबर 1 होगा, जो खेला जाएगा बर्लिन क्रिकेट एकेडमी और यूएसजी चेमनीच के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो जो है आपको लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुकाबला स्टार्ट होगा 12:45 पर, सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है, 100 से 120 स्कोर बनता है। 35 मैचेस हो चुके हैं, 16 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 19 में चेज हुआ है। अब देखो, पहले बात करेंगे BCA की टीम की। अब तक इनकी टीम एक भी मुकाबला यहाँ पर नहीं आ रही है, बहुत अच्छा खेली है। शुभम पाटिल और मुगिल विश्वनाथ ओपन करेंगे। शुभम पाटिल की बात करूँ तो देखो, अब तक इसको स्टार्ट मिले हैं जैसे कि 33 नो डाउट, 1, 19, 15, 12, लेकिन बड़ी पारियाँ नहीं है, लेकिन विकेट कीपिंग कर रहा है प्लस ओपनिंग कर रहा है, तो आप पिक कर सकते हो। मुगिल विश्वनाथ भाई, ये मतलब थोड़ा सा ओवरवेट प्लेयर है, लेकिन ये ना स्लो इनिंग खेलता है, लेकिन टिक्के खेलता है, तो अच्छा कर रहा है। 1, 17, 22, 32, 32 है। संदन चिंतानिप्पू है, ये 2 ओवर की कंफर्म बॉलिंग देगा, प्लस बहुत तगड़ी वाली हिटिंग देता है। 5 मैच में जो इसने यहाँ पर टोटल देखो 6 विकेट निकाले हैं और बल्ले से यहाँ पर 5 ही विकेट है सॉरी, और बल्ले से 39, 107, 13, 47, 0 है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एहसान अलूजाई हैं, इनके नाम अगर आप देखो तो 1 नो डाउट है, 22 नो डाउट है, 19 नो डाउट है, 19 है और 0 है, तो ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है इनका। जान अलूजाई हैं, 4 नो डाउट, 6 और 38 हैं। वैभव पाटिल की अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छी खासी बॉलिंग अभी करवा रहा है, हर मैच में 2 से 3 विकेट ले रहा है, 5 मैच में टोटल इसके नाम 10 विकेट आ चुके हैं ऑलरेडी। अरशाद अदील है, बॉलिंग ठीक ठाक करवा रहा है, लेकिन विकेट सिर्फ 3 है और ये ना मार भी खाता है, पिटता भी है, ये ध्यान रखना। वेंकटेश है, कुछ खास रिकॉर्ड इनका है नहीं। मोहम्मद असीम, ये तेज बॉलिंग करवाता है, बहुत फास्ट बॉलिंग करवाता है, इसके नाम आप देखो तो यहाँ पर 5 मैच में 5 ही विकेट है, उतना खास रिकॉर्ड है नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अच्छे कटर्स डालता है, अच्छा खासा बॉलर है ये भी, इसके नाम 5 मैच में 6 विकेट्स हैं, और स्टीव सैमुअल का उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ से देखो अभी के लिए आप पिक कर सकते हो शुभम पाटिल, मुगिल विश्वनाथ, संदन चिंतानिप्पू, वैभव पटेल, अरशद अदिल को मैं छोड़ूंगा, मोहम्मद असीम और मोहम्मद मुस्तफ़ा को आप पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे एस चिंतानिप्पू, वैभव पाटिल, अरशद अदील, डेथ में आएंगे चिंतानिप्पू, मुस्तफ़ा और वैभव पटेल। सामने जो टीम है यूएसजीसी की टीम, 4 में से 3 मैच जीती, 1 मैच हारी, इनकी भी टीम अच्छी है। लास्ट के जो 2 मैच थे वहाँ पर ओपन किया था अब्दुल समद स्तनकजाई और गोपीनाथ मनोहरन ने। अब्दुल समद स्तनकजाई वैसे तो अच्छा बैटर है, लेकिन अब तक कुछ खास किया नहीं, पहले मैच में 0, दूसरे में 17 है, 36 टी10 में 582 रन, 17 का एवरेज, 2 विकेट है, और T20 2023 के अंदर 11 मैच में 159 रन, सिर्फ 8 का एवरेज है, तो रीसेंट फॉर्म इसका खास नहीं है। तो अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हो तो ये आप टीम में रखना इसको। गोपीनाथ मनोहरन ये भी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, 16, 10, 8, 6 हैं, 2022 T10 में 9 मैच में 114 रन, 14 का एवरेज है। वरुण सोरागनवी हैं, ये बैटिंग के साथ साथ आपको 1 से 2 ओवर की बॉलिंग देगा, 4 मैच में 2 विकेट है, बल्ले से 10, 15, 41, 25 नो डाउट है। इद्रिस जलजाई पहले ओपन कर रहा था, लेकिन अभी ये नंबर 4 पर खेल रहा है, 42, 2, 14, 1 है, नीचे अगर खेलता है तो उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं। संकेत उद्यान है, इसको देखो जब से इनके मेन बॉलर खेल रहे हैं ना, इसको बॉलिंग नहीं मिल रही, सिर्फ बैटिंग कर रहा है, 4 मैच में 3 विकेट है और बल्ले से 11, 15, 69 नोट आउट, 9 नोट आउट है, बैटिंग अच्छी कर रहा है। अब्दुल बसीर मेन बॉलर है, छोड़ना ही मत बिल्कुल, 2 मैच में 2 विकेट है, बल्ले से 8 रन की पारी है, 2022 T10 में 9 मैच में 6 विकेट है, और T20 में 4 मैच में 87, 3 विकेट है। संदीप गौड़ा ये देखो बहुत नीचे बैटिंग करेगा, तो इसको तो मैं रखूंगा नहीं, 38, 7, 7, 9 बैटिंग है। यहाँ से मैकेल गुलमद्दीन है, ये पावर प्ले में बॉलिंग देगा, 4 मैच में 7 विकेट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। सईद अमरखिल यहाँ पर 2 मैच में इसके नाम 6 विकेट है, आप देखो लास्ट मैच में तो बंदे ने 5 विकेट निकाले थे। स्पिनर है और स्पिनर का यही रहता है, या तो मार खाते हैं या फिर गुच्छे में विकेट लेते हैं। फैजल शाह है, 3 मैच खेले हैं इसने जिसमें इसके नाम 2 विकेट है, और यहाँ से सनराज लास्ट मैच खेला था, 1 ओवर डाला, 1 विकेट था, ये भी ग्रैंड लीग का बहुत अच्छा पिक है, 6 T10 में 5 विकेट है और T20 में 7 मैच में 11 विकेट है, ध्यान रखना 2023 में।
अभी के लिए पिक कर सकते हो आप यहाँ से। देखो ओपनर तो इनके रिस्की हैं, तो मैं अभी रखूँगा वरुण सोरागनवी, यहाँ से संगीत उद्यान, अब्दुल बसीर, यहाँ से मैकल गुलमद्दीन, सईदुल्ला अमरखिल, और नीचे से आप फैजल शाह या फिर सनराज में से किसी को पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के वो डालते हैं एम गुलमद्दीन, ए बासिर, डेथ में आता है ए बासिर, एफ शाह, एस अमरखिल। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिलेगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। डेमो टीम में अभी के लिए मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है शुभम पाटिल को, बैटिंग सेक्शन से संगीत उद्यान, मोहम्मद असीम, मुगिल विश्वनाथ, और ऑलराउंडर सेक्शन से संदन चिंतानिपु, वैभव पटेल, मोहम्मद मुस्तफ़ा, वरुण सोरागनवी और अब्दुल बासिर अंदर, और बॉलिंग सेक्शन से मैकल गुलमद्दीन और सईदुल्ला अमरखिल। कैप्टन संदन चिंतानिपु, वाइस कैप्टन वैभव पाटिल। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।